हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर 14 वाटर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। आप सपोज करके चलिए कि हमें मतलब इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स ये पढ़ना है कि वाटर का हम किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वाटर को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सपोज करना है किन्हीं कारणों से आपकी फैमिली में कि एक बकेट वाटर ही यूज करना है, ठीक है, वीक में। क्या एक बाल्टी पानी से पूरी फैमिली उसको यूज कर सकती है वाटर को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? वुड यू बी एबल टू कुक, क्या आप खाना पका पाओगे, क्लीन कर पाओगे अपने टेंसिल्स, अपने बर्तन को, वॉश क्लोथ्स और बाथ, आप नहा पाओगे, कपड़े धो पाओगे? एक बाल्टी पानी में क्या होता, कुछ भी नहीं होता। एक बाल्टी पानी में घर में अगर 4 मेंबर है 5 मेंबर है तो कैसे भी वो पानी यूज नहीं हो पाएगा, पानी बहुत कम है। तो व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू, तो दूसरी एक्टिविटी क्या है? व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू, व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा अगर आपको लंबे समय के लिए पानी का यूज न करना पड़े? तो क्या होगा अगर आपके पास पानी नहीं मिलेगा, तो मतलब पानी नहीं बचेगा, तो आप कैसे पानी के बगैर कैसे आप घर के कामों को कैसे पूरा कर पाओगे जिसमें पानी का यूज होता है? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग के अलावा पानी बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, जैसे फिगर 14.1 में बता रखा है, नहाने के लिए यूज होता है, कपड़े धोने के लिए यूज होता है, ठीक है, पीने के लिए यूज होता है, ठीक है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे, क्या आपको कभी आपने ये आइडिया निकाला कि एक दिन में हम कितना पानी यूज करते हैं? एक दिन में एक मेंबर फैमिली का, जो एक मेंबर हो, कितना पानी उस पर खर्च होता है, कितना पानी वो यूज करता है, ठीक है। कभी आपने ऐसा आइडिया लगाया तो लगा के देखना, ये फिगर 14.1 है, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूज बता रखे, वाटर का क्या क्या यूज होता है। 14.1 है, हाउ मच वाटर डू वी यूज, कितना हम पानी यूज करते हैं, हाउ मच वाटर डू वी यूज, कितना हमें जो पानी हम यूज करते हैं। एक्टिविटी वन के थ्रू हम समझते हैं, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे, लिस्ट बनानी है अपने सभी एक्टिविटीज की जो आप यूज करते हो वाटर के साथ एक दिन में। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1 में, कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, जैसे ड्रिंकिंग है, ब्रशिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग अटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स है, ठीक है, टॉयलेट्स के लिए, क्लीनिंग फ्लोर के लिए, एनी अदर पर्पज के लिए। टोटल वाटर यूज इन अ डे बाय अ फैमिली वो इसमें भरना है, आपने अमाउंट जो वाटर की यूज की वो फिल करनी है, ठीक है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक, नोटबुक में एक इसके साथ साथ एक टेबल बनानी है, थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेंबर्स, जितने भी मतलब दूसरे फैमिली मेंबर्स, आपके द्वारा जितना पानी यूज होता है, यू मे यूज अ मग, आप मग का यूज कर सकते हो उसको मेजर करने के लिए, ग्लास का यूज कर सकते हो, आप बकेट का यूज कर सकते हो, और अदर एनी कंटेनर का भी यूज कर सकते हो, टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज, की कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया गया किसी काम के लिए एक दिन में। तो टेबल है 14.1, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय अ फैमिली इन अ डे, ये एस्टिमेशन बता रखा है, ये आपने फिल करना, अमाउंट ऑफ वाटर यूज, जैसे ड्रिंकिंग है, पीने के लिए आप कितना लीटर यूज करते हो, ब्रशिंग के लिए कितना पानी यूज करते हो, बाथिंग के लिए कितना, वॉशिंग अटेंसिल्स के लिए कितना, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए कितना, टॉयलेट्स के लिए, क्लीनर फ्लोर के लिए कितना, एनी अदर पर्पज के लिए आप कितना यूज करते हो, ठीक है। तो यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे, आपको रफली पता होगा कि आपके घर पे कितना मतलब एक दिन में कितना पानी यूज होता है। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली, तो आप कैलकुलेट करके आप अपनी फैमिली का जो एक दिन का जो वाटर यूज होता है आप उसको निकाल सकते हो इन अ ईयर, फिर आप ईयर का निकाल सकते हो। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अब हर एक जो फैमिली मेंबर है उस पर कितना वाटर अमाउंट यूज होता है उसका निकाल सकते हो। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज, फिर आप विलेज का और टाउन का निकाल सकते हो। इस तरह से आप कंप्लीट वाटर की जो अमाउंट यूज होते हो उसकी आप निकाल सकते हो, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन उसका जो डाटा है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर, तो आपके पास आपको पता लग जाएगा कि आप पूरा एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितना वाटर आपके गांव वालों के लिए यूज होता है एक साल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहां तक रीड करना है, ओके?